तो स्वागत है दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनावी गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। और अब तीसरे चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, और इस मतदान में यानी कि इस चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें आती हैं जहां जहां पर मतदान होना है। और आज हम इन्हीं लोकसभा सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जिनका विश्लेषण करने जा रहे हैं। चंद्रकांत पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 5 लोकसभा सीटों का समीकरण क्या बन रहा है। तो चंद्रकांत, देखिए यहाँ पर सीटें कौन कौन सी आती हैं वो जल्दी से हम आपको बताते हैं। संभल है, हाथरस है, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, ये सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। तो इनमें से 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कि संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और बरेली, इन 5 सीटों पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो चंद्रकांत, सबसे पहले किससे शुरू किया जाए? कौन सी सीट जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हाँ, ये सीट सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर है और बड़ी रोचक सीट है, उससे शुरुआत करते हैं। अनुज जी, देखिए तीसरे चरण में जो सीटें हैं हाँ उसमें आप, हम और हमारे दर्शक सभी जानते हैं कि एक सीट जो है उसकी चर्चा सबसे ज्यादा है और वो है मैनपुरी। हाँ मैनपुरी के बारे में सबसे ज्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि यादव परिवार का ये राजनीतिक क्षेत्र है, गढ़ है उनका, आप जो भी कह लीजिए, हाँ यहाँ उनका सिक्का चलता है और तमाम तरीके की बातें। लेकिन मैनपुरी का चुनाव इस बार बाकी चुनावों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। क्यों है? पहला लोकसभा चुनाव है जो नेताजी के बिना हो रहा है, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहला लोकसभा चुनाव है। उपचुनाव हुआ था बस। हाँ, उपचुनाव हुआ था लेकिन आम चुनाव पहला चुनाव है। और उपचुनाव में आपने, हमने सबने देखा किस तरीके से यादव परिवार पूरा एकजुट हुआ, उसको नेताजी के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ा गया। डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज की और डिंपल यादव के लिए ये क्षेत्र अगर आम चुनाव के हिसाब से देखें तो बिल्कुल नया है। इसके पहले वो कन्नौज और फिरोजाबाद की राजनीति कर चुकी हैं। मैनपुरी में अनुज जी आपको कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा होगा, मसलन अखिलेश, शिवपाल, रामगोपाल, ये तमाम चेहरे, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये तो आज फैसला हुआ कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, अब उन्होंने नामांकन किया है, लेकिन इसके पहले भी वो कन्नौज नहीं जा रहे थे। लेकिन डिंपल यादव फरवरी के महीने से लगातार कंटिन्यू मैनपुरी में थी, वो मैनपुरी में स्टे कर रही थी, लखनऊ आना जाना उनका बहुत कम था, प्रचार कर रही थी अकेले और तब तक प्रत्याशी भी साफ नहीं था। अब वहां पर जयवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी, और आप देखिए अब अखिलेश सिर्फ नामांकन में गए डिंपल के लिए और एक मीटिंग शिवपाल ने की जसवंत नगर में, इसके अलावा डिंपल अकेले चुनाव लड़ रही। मैं जो रिपोर्ट्स ग्राउंड पर हमारे संवाददाता है वो ये बताते हैं कि सिर्फ पिछले 20 से 22 दिनों में, डिंपल तो छोड़ दीजिए, उनकी बेटी, उस पर भी हम आएंगे, अदिति पर भी, अदिति जो है वो 102 गांव पहुंच चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो एक बच्ची है, अखिलेश यादव की बड़ी बेटी जो है वो प्रचार कर रही है, लंदन में वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाई कर रही है और मैनपुरी में लोगों के बीच जा रही है, गांव गांव जा रही है, लोगों से मिल रही है। पहला। दूसरा, डिंपल यादव खुद एक्टिव हैं। डिंपल यादव 50-50 लोगों की, 60-60 लोगों की जनसभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, घरों में बैठकर मीटिंग्स कर रही हैं और वो अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। मैनपुरी में चुनाव ठीक है समाजवादी पार्टी का, वहां ऐसी कोई टक्कर वाली स्थिति ऐसा कुछ नहीं बन रहा। हालांकि जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के जयवीर सिंह, उनके लिए अमित शाह ने बड़ा वादा किया है अपनी रैली में। अमित शाह ने मैनपुरी में बात बोली कि आप लोग जयवीर सिंह को सांसद बना दीजिए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बना देंगे। तो ये एक वहां पर मैसेज देने की कोशिश की गई है। बड़ा लेकिन आदमी मतलब बड़ा आदमी मतलब केंद्रीय मंत्री, इससे ज्यादा बड़े आदमी क्या हो सकता है भाई? वो यूपी सरकार में मंत्री हैं, सांसद बनेंगे तो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, खैर मैनपुरी से कोई भी जीतेगा तो मंत्री ही पद का दावेदार बहुत मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा अगर मैनपुरी कोई जीत करके आता है। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर कन्नौज में कोई अखिलेश यादव को हरा दे, सुब्रत सुब्रत पाठक अगर पाठक हरा दे, तो मंत्री बनना तय है। पिछली बार डिंपल, इस बार अखिलेश। तो लेकिन चुनावी जो समीकरण है, जो जमीन की बातें हैं, उसके मुताबिक डिंपल मैनपुरी में मजबूत है, अच्छा चुनाव लड़ रही है और पहली बार डिंपल यादव इतना खुलकर भाषण दे रही है और खुद इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, उनका चुनाव मैनपुरी में ठीक है अनुज जी। और दूसरा, एक और सीट है इस चरण में, हालांकि इस चरण में यादव परिवार की 3 सीटें हैं, 3 सीटें
दूसरी सीट है अनुज जी बदायूं। बदायूं में क्या है कि पिछली बार संगमित्रा सांसद बनी धर्मेंद्र यादव, चुनाव वहां पर हारे, तकरीबन 24-25 हजार वोट का मार्जिन था चुनाव में जीत हार का। इस बार बदायूं बड़ी इंटरेस्टिंग रही टिकट के लिहाज से। सबसे पहले नाम आता है धर्मेंद्र यादव का, जो वहां दो बार सांसद रहे और एक बार पिछली बार वो चुनाव हार गए। अब धर्मेंद्र यादव का नाम आया कि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, तब तक संगमित्रा का टिकट वहां पर कटने या ना कटने की कोई बातचीत नहीं थी तब तक। लेकिन अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव का टिकट वहां से काटा, धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ और कन्नौज का प्रभारी बना दिया और यहां पर शिवपाल सिंह यादव को बदायूं लड़ने के लिए भेज दिया गया। अब बहुत से कम लोगों को यह जानकारी होगी कि शिवपाल ने बदायूं में 90 के दशक में, 92-93 के दौर में जब समाजवादी पार्टी बनी 1992 में, तब से लेकर आज तक बदायूं के हर चुनाव के प्रभारी नेताजी शिवपाल को ही रखते थे। तो शिवपाल यादव की वहां पर जमीनी पकड़ है लोगों के बीच में। लेकिन फिर अब पता नहीं, आप दर्शकों को याद होगा हम लोगों ने कई बार इस बारे में चर्चा की कि बदायूं में टिकट एक बार फिर से बदलेगा, बदायूं में टिकट बदलेगा और वो टिकट हो सकता है कि आदित्य के पास जाए, और वे हुआ कार्यकर्ताओं के बहाने से और तमाम चीजों से कहा गया कि आदित्य यादव चुनाव लड़, अब वहां आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं बदायूं में। अब वहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं दुर्विजय जी साक्य, उनका मुकाबला आदित्य से है। लेकिन आप देखिए, जिस दिन वहां पर शिवपाल यादव का टिकट घोषित हुआ था उसी दिन से आदित्य वहां पर कैंप कर रहे हैं, आदित्य वहां रह रहे हैं, वहां ठहरे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, और अब तो उनका खुद का टिकट हो गया। तो शिवपाल मैंने शिवपाल वहां नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही आदित्य पहुंच गए थे। हाँ, पहुंच गए थे। और आप तो अभी बदायूं कवर करके आए, तो आप तो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि बदायूं में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बदायूं में मामला टफ है, बदायूं में टक्कर है। नहीं देखिए, बदायूं में टक्कर है, लेकिन मायावती को इग्नोर नहीं किया जा सकता बदायूं लोकसभा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ बदायूं की बात नहीं है अनुज जी, मायावती को कई सीटों पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 30-40 सीटें ऐसी होंगी जहां पर आप मायावती को इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी पार्टी जो है और वो जो है वो फाइट में है, तो मायावती तो फैक्टर है अनुज जी, निश्चित तौर पर फैक्टर है। और बदायूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मुकाबला है, आप इसको त्रिकोणी मुकाबला कहिए या 1+1 कहिए, कुछ भी कहिए। भाई देखिए, मुस्लिम बहुत अच्छी खासी तादाद में है बदायूं में, यादव वोटर बहुत अच्छी खासी तादाद में है, मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है, मुस्लिम खां करके हैं उनको उतार दिया है, पूर्व विधायक रह चुके हैं बीएसपी ने, मायावती ने बदायूं से। तो मायावती तो भाई मुस्लिम वोट बैंक में तो दिमाग, तो यही लोग कह रहे हैं कि सिंध लगेगी इस बार। देखिए अनुज जी, दो चरणों ने हमको ये बता दिया, ये दिखा दिया कि मुस्लिम वोट एग्जाई है, मुस्लिम वोट एकजुट है, मुस्लिम वोट बट नहीं रहा है, ये हमको दिखा दिया पहले और दूसरे चरण में, कुछ एक सीटों को छोड़कर। यही टर्म यूज हो रहे थे सहारनपुर को लेकर, इमरान मसूद और वो जो माजिद अली थे उनके लिए, लेकिन क्या हुआ सहारनपुर में? नहीं, माजिद अली उनका नाम, मुजाहिद यहाँ अमरोहा में थे। तो अब आप बताइए कि अमरोहा में ये फैक्टर काम किया, क्योंकि अमरोहा में नाराजगी मुस्लिम प्रत्याशी से ही थी, दानिश अली से थी, और दानिश वहां सपा के सिंबल पर नहीं थे, कांग्रेस के सिंबल पर थे, तो वहां मैं मान सकता हूँ। लेकिन हर सीट पर ऐसा हो जाएगा ऐसा मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम वोट एकजुट है समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ, तो बदायूं में स्थिति है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि मुस्लिम खां को वोट नहीं मिलेंगे, वोट मिलेंगे, लेकिन टक्कर है। और तीसरी सीट है, आप जो जिन सीटों का एनालिसिस कर रहे हैं उसमें फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की सीट जो है, चूड़ियों का शहर है फिरोजाबाद, और अक्षय वहां पर 2014 में सांसद रहे हैं, अक्षय यादव रामगोपाल यादव के बेटे। इस बार उनको टिकट मिला है, क्योंकि पिछली बार उनके साथ समस्या ये आई कि एक वो किसी ने कहा है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो ये उनके साथ हुआ कि चाचा शिवपाल यादव, क्योंकि रामगोपाल, देखिए दर्शकों को भी समझना चाहिए कि यादव परिवार में जो लोग लड़ाई अखिलेश बनाम शिवपाल की मानते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से गलत है, क्योंकि वहां मेन लड़ाई शिवपाल वर्सेस रामगोपाल थी, और रामगोपाल के बेटे को हराने के लिए शिवपाल यादव वहां चुनाव लड़ जाते हैं। प्रसपा उनकी पार्टी थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। 90,000 से ज्यादा वोट मिलता है शिवपाल को, मायने रखता है ये वोट किसी भी चुनाव में, और गेम चेंजर है। जीधार का अंतर कितना था? जीधार का जो अंतर रहा था वो 28,000 वोट का था, और 90,000 शिवपाल को मिलते हैं। अनुज जी, इसी उत्तर प्रदेश में 181 वोटों से जीत हार हुई है, मछली शहर 2019 का रिजल्ट है, बीपी सरोज चुनाव लड़े थे, उनके सामने टी राम चुनाव लड़े थे, तो 28,000 वोट तो कुछ नहीं था अगर शिवपाल यादव न लड़ते, अक्षय यादव चुनाव जीत रहे थे,
जादौन साहब वहां सांसद बन गए, लेकिन इस बार क्या हुआ, बीजेपी ने वहां भी प्रत्याशी बदल दिया, वहां ले आए वो विश्वदीप सिंह को। तो जो जादौन साहब है जाहिर सी बात है नाराज होंगे, उनके समर्थक नाराज होंगे। तो अब नया चेहरा विश्वदीप सिंह, अक्षय यादव एक बार के सांसद, एक बार हारे हुए और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे, मजबूत है। शिवपाल उनके लिए तब से मीटिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने पहले से। अच्छा, नेताजी का जब निधन हुआ है उसके बाद से शिवपाल उस सीट का दौरा कर रहे हैं, उस सीट को मजबूत कर रहे हैं, तो वो सीट भी इनके लिए मजबूत है। इन जिन 5 सीटों पर हम बात कर रहे हैं इनमें 3 सीटें तो समाजवादी पार्टी के लिए ऐसे ही मजबूत हो रही है, ये 3 सीटें। और अब नहीं, 3 सीटें मैनपुरी, बदायूं, मैनपुरी फिरोजाबाद, बदायूं। देखिए मैनपुरी बिल्कुल श्योर है, कहीं से कोई इसमें डाउट नहीं। मैं आप जानते हैं मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बात कहता हूँ, मैनपुरी में कहीं कोई डाउट नहीं है, बदायूं में मामला टक्कर है चुनाव। बदायूं में लेकिन आदित्य यादव भी पहला चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में नए हैं। हाँ। क्या वो करिश्मा दिखा पाएंगे? नहीं, उनको तो करिश्मा करना ही नहीं है ना। हाँ। करिश्मा तो जिनको करना है वो कर रहे हैं, और वो शिवपाल है, वहां संगठन पूरा। देखिए शिवपाल यादव ने जीवन भर क्या किया, शिवपाल यादव ने सहकारिता की राजनीति की, सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे, यूपीपीसीएफ और तमाम जितनी किसानों की सहकारी समितियां हैं उनके वो नेता है, तमाम किसानों के बीच में और सहकारी संघ के नेताओं के बीच में उनकी पकड़ है, मजबूत पकड़ है, सहकारी बैंकों में उनकी पकड़ है, तो उसका फायदा उनको मिल रहा है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को, जो पत्रकार हवा हवा वाला आकलन करते हैं वो ये कह दें कि शिवपाल की कोई पकड़ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं दावे के साथ, आप शिवपाल को किसी जिले में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, वो 50 नाम आपको बोलकर बता देंगे कि ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। ये वो आदमी कर सकता है जिसने संगठन की राजनीति, जमीन की राजनीति की, तो वो शिवपाल करते हैं, पहला। दूसरा, बदायूं में क्या है कि संगमित्रा वहां पर इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है, तो संगमित्रा के चुनाव न लड़ने से जो नाराजगी है उनके साथ वाली भी। थोड़ा दर्शकों को क्लियर भी कर दूं, जब मैं बदायूं गया तो वहां पर संगमित्रा मौर्य के नाम पर बड़ा विरोध देखने को मिला, और शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान गई, भाप गई, रिसर्च कराते रहते हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार कराते हैं, और उसी लिए उनका शायद वहां पर टिकट कटा है। लोग कहने लगे भाई पूरा बदायूं आप घूम लीजिए और कहीं आपको पत्थर दिख जाए संगमित्रा मौर्य के नाम का तो बड़ी बात हो जाएगी। सड़कें गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोग ऐसा बता रहे थे। खैर हम लोगों ने भी महसूस किया, तो वो एक बात दर्शकों को क्लियर करनी थी कि हाँ नाराजगी है। पहला ये तो एक बात होगी नाराजगी वाली, तो बदायूं फिरोजाबाद और आपकी मैनपुरी की सीट हो गई। अब आपकी लिस्ट में कौन सी सीट है? मैं 3 सीटें तो हो गई है, संभल की बात करेंगे, संभल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बरेली की। ठीक है, ठीक है। तो संभल में तो बर्क साहब अब नहीं रहे, तो क्या वो सिंपैथी फैक्टर काम करेगा? देखिए संभल क्या है कि संभल की सीट जो है मुलायम सिंह यादव का मजबूत गढ़, मजबूत पकड़ वाली सीट। और शिवपाल सिंह यादव ने, आपको याद होगा कि ये कहा था कि मैं संभल से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, संभल से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हाँ, ये खबर आई थी, अब उन्होंने कहा था, नहीं कहा था ये नहीं। हाँ, ये चर्चाएं ऐसी थी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हो, अगर चुनाव लड़ते संभल से तो मजबूत चुनाव लड़ते, कमजोर चुनाव ना लड़ते। रामगोपाल भी शायद सांसद। हाँ, रामगोपाल भी वहां पे सांसद, बड़ी मतलब की समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी इनका वहां पर कमांड है इस सीट पर। वहां क्या हुआ कि बर्क साहब का जब निधन हुआ, बर्क साहब 93-94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, सांसद थे वहां के वो और वहां के लोकप्रिय नेताओं में थे, इसमें से कोई गुरेज नहीं है। टिकट उनके घर में ही है, उनके परिवार उनके घर में, उनके जो पौत्र हैं कुंदरकी के विधायक हैं वो, और बेहद युवा हैं, जियाउर रहमान बर्क शायद उनका नाम है, और लोकप्रिय हैं, अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं, बेहद युवा हैं। बर्क साहब का जब इंतकाल हुआ तो उसके अगले दिन या उसी दिन राज्यसभा की वोटिंग चल रही थी, सेम डे 27 फरवरी, और वो इंतकाल की प्रक्रिया निपटाने के बाद सीधे लखनऊ आए और उन्होंने यहाँ राज्यसभा की वोटिंग में हिस्सा लिया। अखिलेश यादव से गले लगकर भावुक होते हुए उनकी तस्वीर भी आई थी। और देखिए अगर वो विधायक बने हैं तो निश्चित तौर पर अपने जो दादा थे उनके विकास कार्यों और तमाम वजहों से बने होंगे, और एक सिंपैथी भी है जियाउर रहमान बर्क के साथ, एक सिंपैथी चल रही है, एक संवेदना लोगों की है कि भाई एक बार इनको मौका दिया जाए। लेकिन संभल में क्या है कि जो लोकप्रियता शफीकुर रहमान की थी वो लोकप्रियता जाहिर सी बात है उतनी लोकप्रियता तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ये भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी तो लोकप्रियता ठीक है, एक फैक्टर साबित हो सकता है, लेकिन बर्क साहब के जाने के बाद तो वो जो मुस्लिम वोट बैंक में, मुस्लिमों में जो सिंपैथी है, जो भावनाएं हैं, वो तो हमने देखा है, कई बार देखा है हमने। नेताजी जब उनका देहांत हुआ, जब वो निधन हुआ उनका,
तो उपचुनाव हुआ तो लोग यही बात कर रहे थे कि सिंपैथी, और खुद बीजेपी वाले ये बात कह रहे थे, तो वो फैक्टर तो काम करता ही है ना। देखिए सिंपैथी होती है, मैं सिंपैथी से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नेताजी की सिंपैथी और बर्क साहब की सिंपैथी में जमीन आसमान का अंतर होगा और है अंतर वहां पर। संभल की सीट पर मुकाबला थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा तगड़ा मुकाबला है। अच्छा, पिछली बार की चुनावों के बजाय इस बार देखिए, इस बार मुकाबला हर सीट पे देखने को मिला, रामपुर में दिखा क्योंकि वहां आजम खान की नाराजगी और तमाम बातें थी, मुरादाबाद एसटी हसन की नाराजगी, रुचि वीरा, तो संभल की स्थिति भी कुछ ऐसी है। और बात अगर मैं आपसे करूं आखिर में बरेली की, तो बरेली वो सीट है जहां शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नाराजगी झेल रही है। बरेली में? बरेली में ऐसा क्यों? संतोष गंगवार वहां 8 बार सांसद रहे अनुज जी, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 8 का गुणा करीब 40 साल का सांसदी का जीवन, एक क्षेत्र एक सीट लगातार, बहुत बड़ी बात है ये जो संतोष गंगवार ने वहां पर किया। चुनाव भी होंगे थोड़ा कम भी कर लीजिए साल तो कोई कुछ मैं कहता हूँ कम कर लीजिए, 96-98 में लगातार चुनाव हुए तो उसको आप कम कर लीजिए, लेकिन 8 बार वो सांसद रहे, तो अगर कोई व्यक्ति 8 बार का सांसद है किसी सीट पर, और क्योंकि आपने टिकट बांटने में एज फैक्टर का कई मायनों को तोड़ा, हेमा मालिनी को आपने टिकट दिया। देखिए बरेली की बीजेपी में 2 गुट है अनुज जी, एक है संतोष गंगवार गुट और एक है उमेश गौतम गुट। अच्छा, उमेश गौतम है बरेली के मेयर, वो चाहते थे चुनाव लड़ना। संतोष गंगवार के समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त है बरेली के अंदर, बरेली में संतोष गंगवार और उमेश गौतम, ये एक वर्सेस गुट है बीजेपी के अंदर। उमेश गौतम अपने लिए टिकट चाहते थे, उमेश गौतम लखनऊ की पैरवी में थोड़े माहिर थे, खिलाड़ी थे, संतोष गंगवार को लगा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा एज का फैक्टर, संतोष गंगवार ने पैरवी ही नहीं की टिकट की, उनको लगा मुझे टिकट मिलना नहीं, उनको मान चुके थे कि टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जब हेमा मालिनी का टिकट हुआ, जब तमाम नेताओं का टिकट हुआ, तो उनको लगा कि नहीं मेरा भी टिकट हो सकता है, तब उन्होंने दौड़ भाग की और तब तक देर हो गई थी, ये तय हुआ कि उमेश गौतम को टिकट दे दिया जाए। तब संतोष गंगवार के समर्थकों ने और जो उनके करीबी लोग हैं उन्होंने कहा कि किसी को भी टिकट दिया जाए लेकिन उमेश गौतम को टिकट ना दिया जाए, क्योंकि अगर उमेश गौतम को टिकट दिया जाता है तो संतोष गंगवार की ऑटोमेटिक हार है। ये तो घर में ही लड़ रहे हैं बरेली में। हाँ बहुत लड़ाई, अभी तो लड़ाई की बात शुरू हुई है। अच्छा, फिर ये हुआ कि उमेश गौतम को टिकट ना दिया जाए, चाहे जिसको दे दिया जाए, बाहरी प्रत्याशी दे दिया जाए, कोई बड़ा चेहरा उतार दिया जाए, वरुण गांधी को उतार दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन उमेश गौतम पर टिकट नहीं जाना चाहिए। अब वहां जो एक गुट और, देखिए पार्टियों में कई गुट होते हैं, गुटबाजी होने लगी, चिट्ठियां लिखी जाने लगी यहां से लेकर दिल्ली तक, तमाम बातें हुई, तो ये हुआ कि ना इनको किसी को टिकट नहीं। एक पूर्व विधायक है छत्रपाल गंगवार, पिछला चुनाव विधानसभा का हारे थे, उनको उठा करके टिकट दे दिया। अब भूपेन चौधरी गए ये टिकट वहां पर बताने की भाई आपके लोकसभा प्रत्याशी है, संतोष गंगवार के समर्थकों ने गेट पर उनकी गाड़ी घेर ली और नारेबाजी होने लगी संतोष गंगवार के समर्थन में। संतोष गंगवार वहां खड़े थे, उन्होंने रोका लोगों को, लेकिन रोक समर्थक नहीं रुकता है ना, वो रुक, चौधरी साहब की गाड़ी रोक ली, रोक दी चौधरी साहब की गाड़ी। अब चौधरी साहब अक्का बक्का कि ये क्या हो रहा बरेली के अंदर, ये तो एक घटना हो गई। फिर आप समझिए छत्रपाल गंगवार एक मीटिंग कर रहे थे, दीप्ति भारद्वाज भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता रही है, बड़ी प्रवक्ता रही, अपने बयानों को जैसे वायरल होती थी खूब ज्यादा, और उन्होंने कह दिया, ट्वीट कर दिया उन्होंने कि छत्रपाल गंगवार जी ने आज एक मीटिंग में कहा है कि मैं अपना टिकट वापस करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे स्थानीय जो नेतृत्व वो चुनाव नहीं लड़ा रहा, ना विधायक चुनाव लड़ा रहा, ना सांसद चुनाव लड़ा रहा, ना कोई एमएलसी चुनाव लड़ा रहा, ना कोई पदाधिकारी चुनाव लड़ रहा, मैं टिकट वापस कर दूंगा। ये बात हो सकता है मीटिंग के अंदर उन्होंने बोली हो, लेकिन दीप्ति भारद्वाज ने इसको बाहर कोट कर दिया। अब जब बाहर आ गई तो मीडिया के हाथ में खबर लग गई, तो तमाशा हो गया पूरा और फजीता हुआ वहां पर। अब इसके बाद वो छत्रपाल गंगवार को माफी मांगनी पड़ी, मतलब सामने आकर उन्होंने बयान दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब मुझको चुनाव लड़ा रहे हैं, कोई मुझसे नाराज नहीं है। लेकिन ऐसी ही एक घटना एक मीटिंग में और हुई जहां भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, उनका दर्द छलका, यानी बरेली में। और दूसरा, ये तो बात हो गई भाजपा की, वहां पे चुनाव कौन लड़ रहा है? प्रवीण सिंह एरन। अब प्रवीण सिंह एरन और उनकी पत्नी है सुनीता एरन, ये दोनों वहां पर, प्रवीण एरन मेयर भी रहे वहां बरेली में, कांग्रेस में एक जमाने में कद्दावर नेताओं में गिनती होती थी, हालांकि अब तो सपा में आ गए थे 22 के चुनाव में, और अब वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। तो प्रवीण सिंह एरन वहां मजबूत नेताओं में है, क्योंकि जो देखिए जो आदमी मेयर रहा होता है ना, वो हर घर से कनेक्ट होता है, तो उसका फायदा उनको मिल रहा है, और वो नुकसान छत्रपाल, अच्छा संतोष गंगवार वहां चुनाव नहीं लड़ा रहे,
ये बिल्कुल खुली बात है कि संतोष गंगवार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं लड़ा रहे, ना उनके समर्थक चुनाव लड़ा रहे हैं, और छत्रपाल गंगवार की सीट वहां फंसी। तो इन 5 सीटों में से बरेली का क्या हम लोग रखे, क्वेश्चन मार्क लगाएं? बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। मैं बदायूं में क्वेश्चन मार्क है, बरेली में क्वेश्चन मार्क है। बदायूं, हाँ बदायूं टफ है, संभल टफ है, जीत हार नहीं, मैं टक्कर की बात कर रहा हूँ। बरेली, बदायूं, संभल, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद क्लियर है, निकल जाएगी सपा। और मैनपुरी, मैनपुरी नो डाउट समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो 5 में से 2 आप दे दो सपा जीत रही है, 3 में मुकाबला है, और उस मुकाबले में भी बदायूं में अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं आदित्य। सपा मजबूत दिखाई दे रही है इन 2 सीटों पर, और 3 सीटों पे जिसमें आदित्य अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं आप ये कह रहे हैं। आदित्य अच्छा चुनाव, और बरेली बीजेपी के अंदर जो अंतरकलह है वो बीजेपी को भारी पड़ेगी, वो बीजेपी को भारी पड़ेगी। और फिरोजाबाद, वहां पे बीजेपी ने नया प्रत्याशी दिया, अक्षय यादव मजबूत स्थिति में चुनाव जीत सकते हैं। तो ये देखिए मोटा तौर पर ये 5 सीटों, क्योंकि 10 सीटें हैं, एक एक करके, अभी थोड़ा समय है, 7 तारीख को चुनाव है, तो एक एक करके हम बाकी सीटों का भी आकलन करेंगे। लेकिन देखिए चंद्रकांत, अगर देखे पहले और दूसरे फेज की वोटिंग, वोटिंग मत प्रतिशत अगर हम देखें तो बहुत डाउन गया है, कम गया है। तो अब लोग कहते हैं, देखिए बहुत 2 तरह के परसेप्शन निकल के आने लगे, या फिर राजनीति अब बदल चुकी है तो परसेप्शन भी बदल गए। कम वोटिंग सत्ता पक्ष को फायदा, ज्यादा वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी। ये हम जब से राजनीति देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मीडिया में आए हैं, तब से हम ये सुन रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई अब राजनीति का ट्रेंड बदल गया है, करने का ट्रेंड बदल गया, आकलन करने का ट्रेंड बदल गया, कैसे देखा जाए? और तीसरे चरण के मतदान में भी अगर कम वोटिंग रह जाती है तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए राजनीति शास्त्र की ये प्राथमिक परिभाषा हम सबने पढ़ी है, एंटी इनकम्बेंसी हो तो ये होता है, लहर हो तो ये होता है, ऐसे होता है। लेकिन देखिए ये चुनाव क्यों अलग है, पहला 3 कारण मैं आपको बता रहा हूँ वोटिंग के। पहला, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इसको मानिए बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम झेल क्या है, आप झेल रहे। तो दूसरा, पहला ये, दूसरा ये है कि किसान इस समय खेतों में है, ये एक बहुत बड़ा कारण है, किसान खेतों में है। दूसरा ये वोटिंग, हम दोनों चरणों में हमने, आपने देखा कि सुबह तक वोटिंग नहीं दिखी है, दोपहर बाद थोड़ा सा झूमी है, दोनों वोटिंग शुक्रवार को ही, जुम्मे का दिन था, ये भी एक फैक्टर है। दूसरा, मोदी जी ने जो नारा दे दिया 400 पार का, तो जो मोदी जी का वोटर था वो थोड़ा सा आश्वस्त हो गया है, 400 उसको लग रहा 400 तो आ ही रहे, हमारे वोट से कौन सा फर्क पड़ रहा है, मोदी जी जब श्योर है तो हमको क्या चिंता करनी। मोदी जी का वोटर घर से नहीं निकल रहा है, वो निकलना नहीं चाह रहा, जबकि इंडिया गठबंधन का जो वोटर है वो एक मुश्त वोट डाल रहा है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अमरोहा में बंपर वोटिंग हुई, सहारनपुर में बंपर वोटिंग हुई है, तो वो भी दोनों मुस्लिम से रहे हैं। बिल्कुल, सहारनपुर में आप देखिए, और अमरोहा पिछले चरण में हमने देखा, उसके पहले चरण में सहारनपुर देखा, नो डाउट अच्छी वोटिंग, लेकिन वो वोटिंग नहीं हुई जो होनी चाहिए। और भी वोटिंग, मैं कहता हूँ वोटिंग तो 100% हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 100% नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट 80% वोटिंग तो हम चाहते ही है। और हम तो भारत एक सोच के सभी दर्शकों से कहते हैं कि जो भी अगले चरण में आपके इलाकों में वोटिंग है तो वोट डालने जरूर जाइए, ये जिम्मेदारी भी है, ये फर्ज भी है हमारा कि हम वोट डालें, और ये बहुत जरूरी है, हमारा अधिकार भी है, तो वोट डालना चाहिए। और इन 5 सीटों पर हमने आज बात जो की है, हम लगातार बात करेंगे, इन एक एक सीट पर भी बात करेंगे, 5वीं सीटों पर बात करेंगे, आगे जो सीटें हैं उन पर भी बात करेंगे, समीकरण मुद्दों पर भी बात करेंगे। और अभी अनुजी थोड़ा सा समय है, 7 तारीख को वोटिंग है, और 5 तारीख तक, 6 तारीख की रात तक हम आपसे बात करेंगे, 7 तारीख को हम दिन भर चुनाव पर भी बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे जो दर्शक हैं वो एक एक सीट का समीकरण समझे कि आखिर किस सीट पर क्या चल रहा है, फैक्टर क्या है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। अब लखनऊ में बैठे आदमी को इंटरेस्ट है ना, वो जानना चाहता है बरेली में क्या हो रहा है, तो उसी के लिए हम है, हमारी टीम लगातार फील्ड पर और न्यूज रूम से और तमाम संसाधनों से काम कर रही है। आप भारत एक सोच को लगातार देखिए और समझिए। और मैं तो कहूंगा अनुज जी, आज अपने दर्शकों से थोड़ा सा बात करने का भी मौका मिला है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई राय है, वो भी हमें बताएं। अगर आप कुछ खबरें हमसे चाहते हैं कि हम आपको वो कुछ खबर और एनालिसिस करके बताएं और उसकी बारीकियां बताएं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपकी राय हमारी ताकत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करिए, और सच्ची पत्रकारिता को और सटीक पत्रकारिता को, जमीनी पत्रकारिता को जिंदा रखने के हमारे इस मुहिम में अपना साथ आप लोग भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाकी बची सीटें हैं इसमें, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, एटा, आंवला, इन सीटों पर भी हम आगे बातचीत करेंगे।
आज 5 सीटों का विश्लेषण करने की कोशिश की थी और अभी 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 मोटे तौर पर बातचीत कर रहे हैं और डीप और भी ज्यादा सटीक विश्लेषण हम आपके सामने लेके आएंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वोटिंग का दिन नजदीक आएगा, और भी ज्यादा और भी लोगों को हम जोड़ेंगे, पत्रकारों को जोड़ेंगे, फील्ड से हमारे जो सहयोगी है लगातार जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। बदायूं की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बदायूं की जनता क्या कहती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर पूरा इलेक्शन हम बहुत ही विस्तृत तरीके से कवर कर रहे हैं। भारत एक सोच देख रहे हैं, देखते रहिएगा। नमस्कार।